रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। चलिए कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। बिल्कुल हम लोग तरफ जा रहा हूँ जनता चार सौ पार लगता है। पार हो गए तो अब चार सौ बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ जंगल राज हो जाएगा, भड़का रहे हैं। भड़काने आए थे, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का। प्रधानमंत्री जब जब आते हैं ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बता रही है कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। चलिए कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन का, हम जीतेंगे। 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा, कहाँ से जीतेगा, ये 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। हर समय आरक्षण की बातें लोग कर रहे हैं, खत्म कर रहे। हाँ वो खत्म कराना चाहते तो पिछड़ा विरोधी लोग है ना, दलित पिछड़ा विरोधी है।